The unexpectedness of life kills your boredom. ये ज़िंदगी एक एहसास है, एक खूबसूरत एहसास, और जो ये महसूस कर लेता है, he learns to live and live a beautiful life. Ananya, this is absolutely rocking. Yeah, my life is rocked. All thanks to Mr. Bishnoi. Ananya, तुम समित को जैसा समझ रही हो, वो बिल्कुल वैसा नहीं है. अच्छा? तो प्लीज यार मुझे बताओ ना, वैसे नहीं है तो कैसे मिस्टर बिश्नोई? You've totally misunderstood the man, यार. बहुत ही अच्छा इंसान है वो. Maybe for you, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं किया. Come on, अनन्या. सारा फॉल्ट सिर्फ समित का नहीं है यार. ठीक है वो अर्नव का दोस्त है, उसने सिर्फ अर्नव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, पर अर्नव भी सिंगापुर अपने दोस्त के कहने पर नहीं गया है. फाइनली इट वॉज हिज डिसीजन. ओके, एंड डोंट यू थिंक यू बेटर ऑफ विदाउट अर्नव अराउंड? हु केयर्स? प्रिसाइसली माय पॉइंट. व्हाई शुड यू केयर? व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड. तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, दैट्स इट. वही तो करने की कोशिश कर रही हूँ, बट द बॉस इज नेवर हैप्पी विद माय वर्क, एंड दैट्स द होल प्रॉब्लम. जो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो हाथ जोड़कर आई वुड हैव सेड थैंक्स टू समित दैट ही गॉट रिड ऑफ अर्नव. वैसे भी नोइंग अर्नव, वो वहां सिंगापुर में हाथ बांधे नहीं बैठा होगा. ही मस्ट बी बिजी सेड्यूसिंग वन गर्ल ऑर द अदर, आई एम टेलिंग यू. यू नो व्हाट, आई हैव नेवर सीन सच डीप एंड एक्सप्रेसिव आईज बिफोर. Are you trying to seduce me? अगर मेरा जवाब हाँ है तो मैं कहूँगा please stop wasting your time and your charm because I'm not interested. Oh, I see. क्या मैं पूछ सकती हूँ कि why are you not interested? अगर तुम सोच रही हो कि I'll go out on a date with you just to prove you wrong, then I must say you're highly mistaken. What's your problem, Arna? Just because I'm not interested does not mean I have a problem. Yeah, you're right. लेकिन तुम शायद जानते नहीं हो कि मेरे पीछे कितने लोग क्यू में खड़े हैं, कि मैं कब उनकी तरफ एक बार मुस्कुरा कर देख लूं. और तुम? तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. So I was just wondering why, you know. Maybe मुझे क्यू में खड़े रहना पसंद नहीं. Yes, you're right. You don't need to stand in the queue. वैसे कहीं प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है तुम्हारा? Not at all. Okay, you win. यहाँ पे कोई पब है और some other place chill out. Wow. इतने कम टाइम में यू टर्न? How come? अरे हाँ, तुमने मुंबई स्टेशन को इस शो के बारे में क्लाइंट का फीडबैक दिया कि नहीं? दिया था. वैसे एक बात तो है, इस लड़की में काफी पोटेंशियल है. आई थिंक यू शुड बी नोइंग हर. एक ही रेडियो स्टेशन में काम करते थे ना तुम दोनों? या फिर तुम्हारे यहाँ आने के बाद उसने रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया था? जानते हो उसे? शायद. शायद? कहीं ये वो ही लड़की तो नहीं है जिसकी वजह से तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, पर मेरा दिल उसी के पास है. उसकी वजह से मेरी लाइफ में कितना चेंज आ चुका है. मैं अपनी जिंदगी में कैसे मोड़ पर हूँ जिसमें यह फैसला करना मुश्किल है कि कौन सी राह चुनूं. और अगर कदम किसी और उठ भी जाते हैं तो पता नहीं I'll be happy or not. अच्छा मुझे ये बता, सवाल बहुत पूछते हो. Now no more questions. I already need a couple of stiff drinks. अच्छा ये पब सिंगापुर में है, किसी और कंट्री में जाना पड़ेगा? बस आगे से राइट, वी आर ऑलमोस्ट देयर. सर, वो स्क्रिप्ट आपने पढ़ ली? लेटर, इस वक्त मैं बिजी हूँ, बाद में. जानबूझकर, deliberately he's doing all this just to make my life hell. ऐसा नहीं है अनन्या, I told you, तुम उसके बारे में गलत समझ रही हो. ये सैम समित के साथ कहाँ जा रही है? हेलो जो, क्या समित के घर पर डिनर पे? जो किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है. मैं बाद में समझाती हूँ ना जो, एक जरूरी काम है. जरूरी काम? जो आई कान एक्सप्लेन एनीथिंग टू यू राइट नाउ. बाय.
उसे कुछ काम है समित के घर पर. That means? I just hope कि ऐसा कुछ ना हो. What more do you need to prove it? You mean to say Sam is having an affair with? Oh, that explains it all. तभी तो आज सारा दिन सैम इतनी इरिटेटेड और उखड़ी उखड़ी सी थी. What a hypocrite. समित हमसे तो कहता फिरता है कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखो, पर ये सारे लेक्चर्स सिर्फ हमारे लिए, नॉट फॉर हिम एट ऑल. अपने लिए अलग रूल्स हैं उसके. हे, इफ दैट्स ट्रू, डज दैट मीन कि अजय अब मेरा हो सकता है? मतलब आई कैन कीप हिम? ये क्या चल रहा है जो? सैम समित के साथ डिनर, और हमें पता भी नहीं था. आई एम पजल्ड टू. सैम ने आज तक हमसे एक भी बात छुपाई नहीं है. एंड इवन इफ शी इज इन्वॉल्वड विद समित, तो हमसे छुपा क्यों रही है? I can't believe it. In fact, मैं सोचती हूँ जब तक हमें सच का पता ना हो, we should not jump to any conclusion. पर जो कुछ भी हमने देखा, क्या वो सब झूठ था? It's quite possible कि जो कुछ हम सोच रहे हैं, वो सच ना हो. And more so, I know that Samit is. Samit is what? Ananya, ये उनकी personal life है. I don't think we should interfere. But Sam के साथ मैं definitely बात करूँगी. Good evening, sir. Good evening. ये मिसेज इरानी है, मेरी एब्सेंस में पलक का ख्याल यही रखती हैं. मैं पलक से मिल सकती हूँ? ऑफ कोर्स मिसेज इरानी. यस सर. इन्हें पलक के पास लेकर जाइए. कम दिस वे मैम. बच्चा कैसे हो बेटा? पता है वो अंकल मुझे इतनी सारी टॉयज और इतनी सारी बुक्स लाके दिए. अच्छा, बहुत अच्छे है वो. आपको यहाँ अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा, देखते हैं पलक के पास कौन कौन सी बुक्स और कौन कौन से टॉयज हैं. ठीक है. मिसेज रानी, पलक ठीक तो है? बिल्कुल ठीक है सर. उसने खाना खाया? जी हाँ, खाना खा लिया उसे, पर खाने के बारे में वो थोड़ा फंसी है. पर सब बच्चे लोग ऐसे ही होते हैं ना सर. आई गेस सो. ठीक है, अब हमारा खाना लगा दीजिए. ठीक है सर. मैडम भी खाना खाएगी? हाँ. ठीक है. Sit. देखो सैम, तुम्हारा इस तरह से पलक के सामने रोना उसके लिए ठीक नहीं है. तुम इस तरह से रोता देख वो कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं. आई नो, पर मैं आज परसों बाद रो रही हूं. आखिरी बार शायद तब रोई थी जब मैंने पलक को ऑर्फनेज में छोड़ा था. इट वॉज लाइक मैं अपने दिल का एक हिस्सा खुद से ही अलग कर रही थी. तुम्हें वजह बताने की जरूरत नहीं है. मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए इज्जत है वो रहेगी. मैं समझ सकता हूँ अपने बच्चे को अपने से दूर रखना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए. इट मस्ट बी वेरी पेनफुल. And what you did something is really please Sam. Khana ready hai sir. Come, let's have dinner. Chal. Kya soch rahi ho jo? Samit mein koi burai to nahi hai. I mean, jo kuch ho raha hai. It's very much possible. Kya possible hai? Kya nahi? We never know. I guess you're right. हम क्या क्या सोचते हैं कि ये पॉसिबल है ये नहीं, बट देन लाइफ इज फुल ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज. क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ. अनन्या, इमोशंस कैन नेवर बी क्वेश्चन्ड. हम जो भी फील करते हैं उन सवालों के जवाब अक्सर हमारे पास नहीं होते.
बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं है। और मुझे ऐसा क्यों लगता है? Even I don't know. I know it, Arnav. I know exactly what you're feeling right now. No, you don't. You don't know what I'm feeling. हर बार तुम्हें लगेगा कि तुम जानती हो, पर नो, सच उससे कहीं दूर। कि नो, मुझे लगता था मैं सबके लिए तैयार नहीं हूं, I'm not ready for it. पर जब वो मेरे हाथ से निकल गया तो मुझे एहसास हुआ how badly I needed it, how ready I was for it. And come to think of it, जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। मैंने खुद अपने हाथों से उसे दूर कर दिया जो मेरे इतना करीब थी। That's what hurts me more. I don't know what to do. मैं वापस जा सकता हूँ बस पता नहीं क्या होगा। हर एक फैसले पर खुद एक सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब मुझे मिलता है। I just don't know. She was very close to you, na? सब कुछ इतना तेजी से जा रहा था। I just couldn't keep up with the pace. I understand, Arnav. पता है? मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था when I was 18. पता नहीं कहाँ चला गया वो। And I was left all shattered and heartbroken. My first love. Do you know what it feels when you guys do this to us? I'm sorry. Forget it. I guess I deserve it. Arnav, क्या तुम उसके पास वापस जाना चाहते हो? No, no. I don't know ऐसा हो भी सकता या नहीं। पता नहीं मैं उसके पास वापस जा भी सकता हूँ या नहीं। शायद वो अपनी बिखरी हुई जिंदगी समेट कर आगे बढ़ चुकी हो, या शायद वो मुझे अपनी जिंदगी में चाहती ही ना हो। Did she tell you that she hates you? तो फिर वो अभी भी तुम्हें चाहती है। Some more coffee? No, thanks, sir. और काफी देर हो चुकी है। I think I should leave now. Okay. पलक को देखने का जब भी तुम्हारा मन करे, you can come in this house anytime and without hesitation. इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। Thank you. Thank you so much. वैसे आपकी अपनी फैमिली कहाँ है? They are in New York और मैं यहाँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। Thank you so much. Good night. Good night. What's wrong, mom? मम्मा को कोई फोन पर धमकियां दे रहा है। कोई है जो नहीं चाहता कि मम्मा की नई किताब छपे और उनकी जिंदगी की कहानी सबके सामने आए। मम्मा, are you sure कि आप ये किताब लिखना चाहती हैं? You really want to go ahead with it? पहले शायद मैं पीछे हट जाती, लेकिन अब नहीं। और मैं किसी का नाम तो नहीं ले रही हूँ, फिर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और अब तो मेरा यकीन और भी पक्का हो गया है कि मैं ये किताब भी लिखूंगी और ये कहानी भी सबके सामने जरूर आएगी।
सैम, कल रात तो समित के घर पर क्या कर रही थी? मुझे बहुत सारा काम है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। बाय। Did you get those papers? हाँ, वो कल रात। हाँ, मैंने सैम से बात कर थी, वो समित के घर किसी काम से गई थी। कैसा काम? एक्सक्यूज मी, मैं किससे मिलने जाती हूँ, कब जाती हूँ और किस काम से जाती हूँ, दैट्स माई लाइफ। प्लीज प्लीज डोंट ट्राई टू इंटरफेयर। एनीवेज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस इन ऑफिस। एक काम करते हैं, हम लोग शाम को डिनर के लिए मिलते हैं। आई विल लेट यू नो एवरीथिंग देन। Come in. सर, आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ ली? हाँ, I went through it. It was pathetic. I knew it. मेरी स्क्रिप्ट अगर मार्केटिंग वालों को पसंद आती तो आपको भी आती। वैसे भी आप तो मुझे पसंद करते ही नहीं है। वो तो जो और सैम के कहने पर आपने मुझे वापस ले लिया, नहीं तो आप तो कुछ कहा तुमने? हाँ नहीं, कुछ नहीं। ये सैम की स्क्रिप्ट है, and this what I call a perfect script for a radio show. तुम्हारी आवाज अच्छी है, लेकिन स्क्रिप्ट के मामले में you really need to work very hard. जमीन आसमान का फर्क है तुम्हारी और सैम की स्क्रिप्ट में। मुझे पता है सैम की स्क्रिप्ट आपको क्यों अच्छी लगती है। मैं तो जो भी करूं आपको अच्छा लग ही नहीं सकता। पता नहीं आप समझते क्या हैं अपने आप को। You can go now. सैम की स्क्रिप्ट पे प्रैक्टिस करो, उसे रिकॉर्ड करके मुझे सुनाओ। हेलो मामा, और कोई कॉल्स तो नहीं आया ना? नहीं बेटा, अभी तो नहीं। मामा, मैं जो के घर पर हूँ, डिनर यहीं कर रही हूँ। आई विल बी लेट। ओके, बस ज्यादा देर मत करना। जी मामा। मामा आप मेरी फिक्र मत करना। बाय बाय। व्हाई इज सैम डूइंग दिस? अगर वो किसी को चाहती है, शी इज सीइंग समबडी, तो हमसे छुपा क्यों रही है? या वो क्यों हमें कुछ नहीं बता रही है? जो क्या सोच रही हो? Nothing. Upset हो? जो कुछ सामने सुबह कहा, is that what is troubling you? नहीं यार, हम सब friends हैं. And I understand कि अगर हम upset हुए, तो अपना गुस्सा friends पे ही निकालते हैं. But या जो। हेलो सैम, वेर आर यू? मैं समित के घर पे हूँ। समित के घर? आई बी होम सून। या बाय। अब शक रहा ही नहीं, समित और सैम। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि समित तो आई हैव टू टॉक टू सैम फर्स्ट। सैम से मुझे पहले बात करनी ही होगी।